Good morning, students. Today we will discuss about ocean energy. Myself, Priya Mittal, lecturer, Electrical, Government Polytechnic College, Savai Madhopur. Student, ocean energy जो है वो बहुत ही important topic है, covered under 207. OTEC होता क्या है? Ocean and Thermal Energy Conversion. Thermal energy, ocean की thermal energy को use करते हुए हम electric energy में convert करते हैं. तो इट इज़ ए प्रोसेस दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन डीप कोल्ड ओशन वाटर एंड वार्म ट्रॉपिकल सरफेस वाटर. इसमें जो हमारा डीप कोल्ड ओशन वाटर होगा और वार्म ट्रॉपिकल सरफेस वाटर होगा, उन दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. तो जो ये हमारा ओशन एनर्जी इज द एनर्जी टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इंटू इलेक्ट्रिकल पावर. अब हम देखते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ द एरिया 70% एरिया कवर्ड अंडर द सी. तो ये हमारा लार्जेस्ट सोलर रेडिएशन कलेक्टर्स होते हैं हमारे सीज. ओशन जो होते हैं दैट कंटेन्स एनफ एनर्जी पावर फॉर ऑल ऑफ द वर्ल्ड सो फॉर द इलेक्ट्रिकल नीड्स. ओशन जो होते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया कि 70% ऑफ अर्थ सर्फेस को कवर करते हैं, तो ये हमारे लार्जेस्ट सोलर कलेक्टर्स होंगे. जो ओशन एनर्जी है दैट इज़ अ रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी दैट कन्वर्ट सोलर रेडिएशन इंटू इलेक्ट्रिकल पावर बाई यूज़ ऑफ वर्ल्ड ओशंस. हमारा जो इसमें हमने बोला कि फर्स्टली हमने देखा था कि इट यूजेज टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ डीप कोल्ड ओशन वाटर्स एंड वार्म ट्रॉपिकल सर्फेस. तो ये जो डिफरेंस होता है, ये जो हमारा ठंडा पानी होगा डीप कोल्ड वाटर जो होगा दैट इज़ 5 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्स, ऑफ वार्म जो सर्फेस वाटर होगा दैट इज़ 27 डिग्री सेंटीग्रेड. तो इस डिफरेंस को यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. वर्किंग प्रिंसिपल पे आते हैं. इट डिपेंड्स ऑन द क्लोज रैंकाइन साइकिल. इसमें क्या करेंगे, हम वार्म वाटर को यूज़ करेंगे किसी भी वर्किंग फ्लूड को इवेपोरेट कराने के लिए. जब हमारा वो वर्किंग फ्लूड इवेपोरेट हो जाएगा उसको हम एक्सपैंड कराएंगे लो टर्बाइन, लो प्रेशर टर्बाइन पर, विच इज़ जो कि वो टर्बाइन हमारा कपल्ड रहेगा ऑल्टरनेटर से जो कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा. अब इसमें हम मेनली दो हैं, क्लोज्ड और ओपन पावर प्लांट्स की स्टडी करते हैं. इसमें हम कितने दो तरह के सिस्टम यूज़ करते हैं, मेनली क्लोज पावर प्लांट और ओपन पावर प्लांट. लेकिन हम ब्रीफली एक हाइब्रिड साइकिल भी इसमें स्टडी करेंगे जो कि मिक्सचर होगा क्लोज और ओपन पावर प्लांट्स का. जो क्लोज लूप ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है उसमें हम देखते हैं कि क्या होता है. देखो, जो हमारा क्लोज्ड साइकिल होती है उसमें हमारा जो वार्म सी वाटर होता है वो हमारा एक वर्किंग फ्लूड जैसे अमोनिया को इवेपोरेटर के अंदर वेपोराइज करेगा. जब हमारा जो वर्किंग फ्लूड है वेपोराइज हो जाएगा तो उस वेपोराइज को एक्सपैंड कराएंगे हम मॉडरेट प्रेशर पर, और जो कि जिससे कि हमारा टर्बाइन जो जनरेटर से कपल्ड है वो घूमेगा, जिससे हमारी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. जो वेपर है वो कंडेंस होगी इन द हीट कंडेंसर यूजिंग द कोल्ड सी वाटर. जो ठंडा पानी है उसको यूज़ करके हम कंडेंस कराएंगे और उसको जो हमारा उसको पंप के थ्रू हम डीप ओशन में भेज देंगे. जो हमारा कंडेंसेंट वर्किंग फ्लूड होगा उसको हम वापस रीयूज़ के लिए इवेपोरेटर में भेज देंगे. इसको हम बहुत ही अच्छे से देख पाएंगे इन दिस डायग्राम. हमने वार्म सरफेस सी वाटर को यूज़ किया है पंप के थ्रू, जो कि इवेपोरेटर में हमारा वर्किंग फ्लूड है उसको इवेपोरेट कराएगा. ये इवेपोरेट हम एक टर्बाइन पर एक्सपैंड कराएंगे, इससे हमारा टर्बाइन रोटेट होगा जो कि हमारा जनरेटर से कपल्ड है, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी. अब टर्बाइन से जो कंडेंस्ड होगा जो वाटर निकलेगा दैट जो कूल वाटर की हेल्प से हम इसको कंडेंस कराएंगे, और जो हमारा वर्किंग फ्लूड कंडेंस होगा उसको पंप के थ्रू हम वापस रीयूज़ के लिए इवेपोरेटर में भेज देंगे. तो ये हमारी कंप्लीट क्लोज्ड साइकिल है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ओपन लूप ओटीईसी साइकिल. इसमें क्या होता है, जो हम इसमें कोई वर्किंग फ्लूड यूज़ नहीं करते हैं. इसमें हम सी वाटर जो हमारा सरफेस वाटर होता है उसी को यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने के लिए. ओपन साइकिल ओटीईसी जो होता है वो ट्रॉपिकल ओशन वार्म सरफेस वाटर को यूज़ करता है टू मेक इलेक्ट्रिसिटी. इसमें कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट हमारा फ्लैश इवेपोरेशन होता है वार्म सी वाटर से. इवेपोरेशन होगा हमारा वार्म सी वाटर से, रिडक्शन ऑफ द प्रेशर
एंड बिलो द सैचुरेशन वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू इट्स टेम्परेचर. देन एक्सपेंशन ऑफ द वाटर वेपर थ्रू ए टर्बाइन टू जनरेट पावर. देन हीट ट्रांसफर टू द कोल्ड सी वाटर थर्मल सिंक रिजल्टिंग इन कंडेंसेटर ऑफ द वर्किंग फ्लूइड. इसको भी हम डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं. हमारा जो वार्म सी वाटर है वो हमारा इवेपोरेटर के अंदर वेपर में कन्वर्ट होगा. वो वेपर हम टर्बाइन में डालेंगे, इससे वो उससे जनरेटर कपल्ड है और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी. तो हमारा जो फ्रेश वाटर यहाँ पे आउटपुट की फॉर्म में निकलेगा, यहाँ से हमने कोल्ड वाटर लिया है जिससे कि हम इसको कंडेंसेट करा लेंगे और ये सब हम डिस्चार्ज कर देंगे. हाइब्रिड साइकिल जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द ओपन एंड क्लोज लूप साइकिल. इसमें दोनों के फीचर्स होंगे. फर्स्टली हमने देखा कि हमारी ओपन लूप साइकिल में हम वार्म सी वाटर को यूज़ करते हैं, तो इसमें वही प्रिंसिपल यूज़ होगा. पहले जो वार्म हमारा सरफेस का सी वाटर होगा उसको एक वैक्यूम चैम्बर में लाएंगे, इससे हमारा फ्लैश इवेपोरेशन होगा, वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. अब स्टीम को हम एज पर द क्लोज लूप साइकिल वेपोराइज कराएंगे वर्किंग फ्लूइड को. स्टीम की हेल्प से वर्किंग फ्लूइड को हम वेपोराइज कराएंगे जैसा कि हम क्लोज लूप साइकिल में कर रहे थे. फिर जब वेपोराइज फ्लूइड को हम टर्बाइन पर डालेंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और स्टीम को हम कंडेंस्ड कर लेंगे विद द हीट एक्सचेंजर एंड प्रोवाइड्स डीसेलाइनेटेड वाटर. अब हम एडवांटेज देखते हैं कि इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं. ये हमारा हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग फ्यूल्स जैसे हाइड्रोजन अमोनिया मिथेनॉल. बेस लोड इलेक्ट्रिक एनर्जी देता है. डीसेलाइनेटेड वाटर देता है इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर और रेजिडेंशियल यूज़ के लिए. जो हमारा ठंडा पानी है प्रोवाइड्स एयर कंडीशनिंग फॉर बिल्डिंग्स, प्रोवाइड्स मॉडरेट टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन, हैज सिग्निफिकेंट पोटेंशियल टू प्रोवाइड क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव इलेक्ट्रिसिटी फॉर द फ्यूचर. इट इज़ अ वेरी इको फ्रेंडली एंड मिनिमम टेम्परेचर कॉस्ट कम्पेयर टू अदर पावर प्लांट्स. ये माइनिंग में भी हमारी हेल्प करता है. लेकिन इसके साथ ही इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. उसमें हम देखते हैं कि जो हमारा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, उसकी कॉस्ट जो होगी मोर होगी क्योंकि फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल एट देयर करंट कॉस्ट. नो एनर्जी कंपनी पुट देयर मनी इन दिस प्रोजेक्ट. ज़्यादा कंपनीज इसमें इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि ये सिर्फ छोटे स्केल पर ही इसको अभी तक किया गया है. कंस्ट्रक्शन जो होता है बहुत ही कॉस्टली होता है. साथ में जो हमारा सी का आसपास का एरिया होता है या जो हमारे एनिमल्स होते हैं, जो भी लिविंग एनिमल्स होंगे, मराइन एनिमल्स होंगे, उन सबको बहुत ज़्यादा हार्म होता है. अदर कुछ रिस्क हैं जो कि इसके साथ एसोसिएटेड, जैसे इलेक्ट्रिकल हजार्ड, रोटेटिंग मशीन यूज और कंप्रेस्ड गैसेस, हैवी मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस. तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द ओशियन एनर्जी. थैंक यू.